एवरीवन, टोली स्टेज पर मैं संगीता वर्तेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक आप लोगों ने बहुत पसंद किया और चॉकलेट केक की डिमांड की है, तो आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक घर पर किस तरीके से आप बना सकते हैं ये भी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। आप टोली स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक केक बेस। चॉकलेट केक बेस कैसे बनाना है ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। चॉकलेट गनाश, एक बाउल मैंने चॉकलेट गनाश लिया है और एक बाउल मैंने थिक चॉकलेट गनाश लिया है, यानी कि इस गनाश को एक दिन मैंने फ्रिज में रखा तो ये इस तरीके से जम जाता है, इसे यूज करेंगे। पानी में चीनी शुगर सिरप तैयार किया है, ये लेंगे सोकिंग के लिए। चॉकलेट फ्लेक्स चॉकलेट को पीलर से पील किया है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड को पीलर से पील करके चॉकलेट फ्लेक्स तैयार करेंगे और गार्निश करने के लिए मल्टी कलर बॉल्स ली है मैंने। केक बेस को आप काट के देन आप सोकिंग करेंगे। सोकिंग हमेशा आउटर से इनर की ओर करनी है। दोनों पीस पे मैं सोकिंग कर रही हूँ क्योंकि ये गनाश की आइसिंग कर रहे हैं, इसलिए सोकिंग हमें 2 से 4 मिनट सोकिंग करके केक को रखना होता है। एक से दो मिनट के लिए सोकिंग करके आप छोड़ देंगे, देन आप गनाश लेके गनाश लगाएंगे। सेंटर में गनाश को लगा के आउटर की तरफ लेके जाएंगे। ये सेकंड पीस में इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रख रही हूँ। ऊपर से गनाश से कवर करके इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा आइसिंग के लिए तैयार हो जाए। आधा घंटा फ्रिज में रखने से ये बेस हमारा चॉकलेट जो है वो सेट हो जाएगी, देन हम आगे इस पे बक करेंगे। ये आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अब हम इस पे थिक गनाश को लगाएंगे। अब हम जो कोरिंग वाला गनाश था वो डालेंगे इसके ऊपर। अगर ये गनाश आपको ठीक लगे तो आप गरम दूध को, 1 टेबलस्पून गरम दूध को इसके ऊपर डाल के इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। साइड्स में चारों तरफ हमने चॉकलेट फ्लेक्स को लगाना है। चॉकलेट की आइसिंग करने के बाद जो गनाश बचता है उसे हम व्हिप करेंगे। व्हिप करके इसकी व्हिपिंग तैयार करेंगे। Thank you.
लेनी है व्हिप्ड गनाश को। पाइपिंग बैग में स्टार नोजल लगा के डाल लिया है। लीजिए तैयार है हमारा चॉकलेट केक। इसे आप भी खाइए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसे एंजॉय कीजिए और फ्रोलिक स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।